नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और O2 चैंपियनशिप का मोस्ट अवेटेड राउंड 2 आ रहा है। क्यों मोस्ट अवेटेड है, उसके लिए आपको राउंड 1 के मैचेस देखने होंगे, जो पहले 8 मैचेस हैं। यहां पर हम बने स्कॉटलैंड, जो कि है राइट साइड की टीम, अपोनेंट हमारा न्यूजीलैंड है। हेड्स को चुन रहे हैं और जी हाँ, डिफिकल्टी कम हुई है, 8 डिफिकल्टी में हम लोग खेल रहे हैं। एक स्पॉइलर है आप लोगों के लिए कि अगले मैच में, ग्रुप ए का जो दूसरा मैच होगा राउंड 2 का, उसमें हम इंडिया नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इंडिया लेफ्ट साइड आई है। टॉस जीता है, आज भी बॉलिंग ही करना चाहेंगे, रन चेज देखना चाहेंगे। थोड़ी सी 2 लेवल कम डिफिकल्टी में क्या टारगेट आता है। स्कॉटलैंड की टीम ऑलरेडी मैदान में आते हुए ओपनर्स न्यूजीलैंड के लिए गप्टिल और निकोल्स क्या हालात बदलेंगे पता लगे अभी 12 गेंदों में। स्पिनर O2 चैंपियनशिप अभी भी अपना उस बैलेंस को ढूंढ रहा है जिसकी तलाश है। पहली गेंद डॉट, बहुत सही शुरुआत, स्पेशल। दूसरी गेंद गैप में हिट, बढ़िया सिलेक्शन शॉट का, 2 रन के इधर भी आएंगे। गेम थोड़ा सा लैग हो रहा है, एक्चुअली थोड़ा नहीं, इसे बहुत लैग कहेंगे, और 2 रन ले रहे हैं। वाइड थ्रो है। तीसरी गेंद, यहां से 6 लगने शुरू होते हैं। जी हाँ, हाल वही है 6 एक और लग दिया है, एक और नहीं पहला, फॉर्म तो वही लग रहा है अभी। तीसरी गेंद पे स्पेशल के बहुत करीब, इस बार हल्का सा रूम, डॉट, लेट कट किया था, डॉट गई है गेंद। स्पेशल के अटेम्प्ट किए हैं हमने अच्छे खासे, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। लास्ट गेंद पर भी 2 ही आएगा। थोड़ी सी वीक हो गई इस अपडेट में, हो सकता है लेवल 8 डिफिकल्टी में भी यही प्रॉब्लम हो। नॉट बैरिंगटन, राइट आर्म मीडियम, पहली ओवर बढ़िया गई है, 12 रन, चैलेंजिंग भी है और बैलेंस भी लग रहा है अभी, तो मजा आएगा। क्या दूसरा ओवर भी इसी तरह का रहेगा? शुरुआत डॉट नहीं, गैप में चला गया है शॉट, मिड विकेट का हिस्सा, खेलना चाहे थे एक्चुअली स्क्वायर में, गेंद रुक चुकी है। 3 रन तो रनिंग के थ्रू हो गए और ये चौथा भी शुरुआत करके पूरा किया है। अब ओवर थ्रो होती है, नियम ही है, 5 रन निकाल लिए, लीजिए 6 का अटेम्प्ट ना कर लें, भरोसा नहीं है। 5 रन ओवर थ्रो हुआ है, अब देखना है ये जाता हुआ 4 के लिए, 9 रन का ये गेंद, अरे बाप रे, चौका और 5 रन, ये थोड़ा सा बेईमानी हो गई हमारे साथ। 5 रन रनिंग के दौड़ा है, क्रिकेट में पहली बार हुआ है हमारे गेमिंग हिस्ट्री में कि 9 रन का एक गेंद गया है। देखिए किस तरह से गया वो देखिए, यहाँ अधिकतर गेंद शॉर्ट पिच दे रहे हैं ऑफ साइड पर, डॉट गेंद बहुत जरूरत थी इसकी, देखना भैया थ्रो, थोड़ा बॉडी की तरफ रखा है इस गेंद को, स्विप शॉट, एक आएगा, एक लग रहा है इस बार, थ्रो भी हमारा बेहतर लग रहा है, 2 ना निकालें जी, हमारी बात मानिए, सिंगल सिर्फ, पहली बार ऐसा हुआ इस टूर्नामेंट में कि सिंगल से संतुष्ट रहे बाउंड्री तक जाने के बाद भी। डिफिकल्टी की एक बात है, अगर आप स्पेशल गेंदें डाल दी ना 4-5 तो भाई ये मैच अपने नाम कर सकते हैं, नॉट आउट आया, DRS लेंगे हम लोग। मुझे लग रहा है कि पिचिंग तो मिडल पर ही है, गई भी मिडल पर है, एम्पायर्स कॉल भी हो सकता है, लेकिन इन्हीं के बीच हमने DRS का इशारा किया है, एम्पायर ने भी TV निगाहें होंगी। विकेट लेना कोई बहुत बड़ा रोल चेंज नहीं करेगा, क्योंकि गेंद तो डॉट ही गई है, नहीं नहीं, ये पिचिंग तो भाई एकदम अलग ही दिशा में पड़ा है, कुछ अलग ही मेरे को उम्मीद थी, शायद खुश इतना ज़्यादा हूँ अपने परफॉर्मेंस से बॉलिंग के कि जज करने में गलती कर दी। DRS वेस्ट हुआ है, कोई बात नहीं, नॉट आउट ही रहेंगे। पहली इनिंग की समाप्ति, सब कुछ ये क्या हो गया भाई, ये तो वो कौन सा चैलेंज था भाई, अच्छा अब चालू हो गया, अरे फिर वो चालू हो गया चैलेंज, रुकने वाला कमेंट करके जरूर बताना वो कौन सा चैलेंज था जिसमें रुक जाते थे ऐसे बंदे और फिर वो वीडियो रिकॉर्ड होती थी, ये तो गेम ही रुक गई भाई। जी हाँ, गेम में आया तो कोई बग, अच्छी बात है कि यहाँ पर कुछ नुकसान नहीं हुआ है, जहाँ से मैच रुका था वहीं से शुरू हुआ है। स्कॉटलैंड को चाहिए 24 रन 2 ओवर में, लग तो रहा है कि आज हम कर लेंगे और हमारी पहली जीत आएगी, देखते हैं परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, बोल तो दिया मैंने। शुरुआत कॉटजर और मैकलियॉट स्कॉटलैंड के लिए, साउथ ही आ रहे हैं गेंदबाजी में, असली वाला फीलिंग आता हुआ यहाँ पर जो O2 चैंपियनशिप का असली, अरे रनिंग, अरे क्या है, 4 रन, चलिए बच गए, जब बल्ले से निकलिया था ये शॉट मुझे कंफर्म था कि 4 तो जाएगा ही, लेकिन जब देखा फील्डर नजदीक पहुंच रहे, रनिंग हमारी इतनी कुछ खास थी नहीं, आधा रन दौड़ के हम वापस जा चुके थे, तो अगर फील्डिंग हो जाती तो 1 ही रन आता, पर 4 जाता हुआ फाइनली। फील्डिंग पे देखने को मिल रहे हैं बदलाव, अली नाइस ट्राई, 4 तो नहीं जाएगा इस बार, अब रनिंग में 2 रन निकालिए वो इनफ है अभी के लिए, बेहतर। तीसरी गेंद टू अर्ली, ध्यान कहीं और था मेरा, ध्यान कहीं और था, एक चीज के बारे में मैं सोच रहा हूँ, मान लो अगर ये मैच हम जीत गए, होने वाला है तो क्लोज ही, क्योंकि जिस फॉर्म में मैं खेल रहा हूँ मुश्किल है वन साइडेड जीतना अभी के लिए, एक विकेट ऑलरेडी खो दिया है अपने कॉटजर ने, कॉटजर के रूप में, स्टंप्स को किया है ओपन, लेट शॉट, ये नहीं चलेगा, परफेक्ट शॉट है, उसका एक छोटा सा हिस्सा आता है, उसी टाइमिंग पे आपको खेलना होगा, आप लेट खेलोगे अर्ली खेलोगे तो 6 तो नहीं लगेंगे, गैप में खेलते तो शायद 4 भी मिल जाता, लेकिन इस बार पॉसिबल हुआ नहीं, क्रॉस आउट अगली गेंद पे, साउथ ही हैट्रिक पर, लेने दिया है नहीं, 2 जोड़ेंगे यहाँ पे हम लोग, रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से थोड़ा पीछे जा चुके हैं हम लोग, एक चौके की जरूरत,
यह मैदान बता दो, ग्राउंड बदला है, चेन्नई के मैदान में हम लोग खेल रहे हैं, पूरा राउंड इसी में ही होगा, गैप में खेलेंगे, ये कोशिश है, आउट नहीं होंगे, ये मैं बता दूं आपको, जिस तरह का फील्डिंग सेटअप है, लेग साइड पे कितना भी खेल लो आप, गलत शॉट आउट नहीं होंगे, दो रन टफ है नहीं, फील्डिंग में और बदलाव कर रहे हैं, देखना होगा क्या होता है, यही रहे तो बेहतर है हमारे लिए। एक परफेक्ट शॉट की तलाश हो गई है अधूरी, एक ऐसा परफेक्ट शॉट, ये तो दो ही देके जा रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड था, ये अनएक्सपेक्टेड था, दो रन खेलेंगे तो हम लोग सेम ही अंदाज में, ले अर्ली शॉट, दो दो रन आ रहे हैं, दो से आप मैच जीतोगे नहीं ये बात तय है, क्लोज रन अपील है लेकिन नॉट आउट, कुछ अलग शॉट खेलने का मौका, अरे टू अर्ली, यकीन से परे बिल्कुल, और डायरेक्ट हिट में आउट होंगे यहाँ पर, गेम चेंजिंग मूवमेंट, कहीं ना कहीं इस मैच को मैंने थोड़ा सा इजी ले लिया, और ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट नहीं किया था मैंने, टू अर्ली शॉट्स बहुत ज्यादा गए, अंत पर शुरुआत अच्छी हुई थी चौके से, और ये डायरेक्ट हिट ने पूरा एक गेम बर्बाद कर दिया हमारे लिए, विकेट मिला है यहाँ पर, न्यूजीलैंड मना रहा है खुशी, ऑलमोस्ट जीत हासिल कर लिए कहना गलत नहीं होगा, विकेट गिरा है इस वक्त अगर आप देखते हो बल्लेबाज का, तो वो है मचानन का 6 में 9 ही करके, सिर्फ और सिर्फ 6 ही बचा सकते हैं, अभी भी अर्ली शॉट और बहुत वीक, बहुत खराब, जीत का सुनहरा मौका आपने गंवा दिया, ये डिफिकल्टी मुझे लेकिन सही लग रही है, काफी बैलेंस लग रही है, अच्छी लगा, अच्छा लगा देख के कि हमें अभी तक ऐसी मैच मिल रही है जहां पे जीता भी जा सकता है और अगर खराब खेलोगे तो हारोगे भी, वही हो रहा है खराब, यहां से मैच जीतना इम्पॉसिबल, और अगर मैं वही सोच रहा हूं कि वो परफेक्ट शॉट जो था वो लगा होता सही तो हम मैच जीत गए होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लास्ट गेंद पे 6, 2 रन का एक छोटा अंतर, लास्ट गेंद पे आए ये 6, बीच में एक परफेक्ट शॉट लगाया था, वो किस लॉजिक से बड़ा शॉट नहीं कन्वर्ट हुआ ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो अगर 6 होता तो हम यहाँ पे मैच जीते होते, 2 रन की एक छोटी सी जीत न्यूजीलैंड के नाम, लेकिन इन द एंड 2 मैचेस लगातार जीत चुका, इंडिया को हराया यहाँ पर, स्कॉटलैंड को हराया, और देखते हैं आने वाला मैच जो होगा ग्रुप ए का वो इंडिया का होगा, हम इंडिया नहीं बनेंगे, जिम्बाब्वे बनने वाले हैं, साउथ ही मैन ऑफ द मैच बनते हुए, विकेट्स निकाले 2, सबसे अच्छी बात मुझे इस मैच की लगी है कि हमें वो डिफिकल्टी मिल चुकी है जो बैलेंस में रख रही है, कुछ शॉट्स अगर आप मिस करते हो तो वहाँ पे आप हारोगे, अगर आप परफेक्ट खेलते हो, मान लो गेंदबाजी में आपने स्पेशल का एफर्ट डाला और आपने स्पेशल डाल दी 4-5, तो फिर मेरे ख्याल से मैच आपके नाम होगा, अभी के लिए लेकिन हार आई है, 2 रन की सबसे छोटी हार अभी तक की हमारी इस टूर्नामेंट की, लेकिन 9 हार हमें मिल चुकी है, उम्मीद करते हैं आने वाले मैचेस जीते, जो भी है जैसा भी पता लगेगा आने वाले वीडियोस में, अभी के लिए मैं ले रहा हूं विदा, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोस और चैनल पर देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।